आज की डेट में अपन बात करेंगे HFCL की। HFCL में आज की डेट में अराउंड 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इस टॉप लगातार 68 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। स्टॉक ऊपर की ओर ही कंसोलिडेट हो रहा है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली वीडियो में आपको बोला भी था कि जैसे ही 68 का लेवल ब्रेकआउट देगा उसके बाद बड़ा जंप आपको ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, ऐसा डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हुआ था। अभी आपने खरीदारी की हुई है तो यहाँ पर अपसाइड की संभावना नजर आ रही है। छोटा मोटा फॉल के साथ ब्रेकआउट देगा, फिर छोटा मोटा फॉल, फिर ब्रेकआउट देगा। अब तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपने खरीदारी की हुई है तो 64 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो और अपसाइड की ही संभावना बनी रहेगी। अगर गिरावट आती भी है तो 64 तक का फॉल HFCL दिखा सकता है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। और गिरावट के साथ अगेन इसी लेवल से बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 68 के ऊपर। 68 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 70 तक के, तो टारगेट एज सून एज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 70 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो गया तो एक बड़ा जंप आ सकता है, जैसे 10-12% की तेजी नजर आ सकती है, इसकी संभावना नजर आ रही है। HFCL इसके ऊपर 80 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अगर आपने खरीदारी की हुई तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 64 के स्टॉप लॉस के साथ।